अब तक हमने देखा सभी को डेविल बिलीवर्स के बारे में पता लग जाता है और विजिट किंग ब्लैक बुल्स को इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजते हैं। तब ब्लैक बुल्स को वहाँ डाजू और उस डॉक्टर के बारे में पता चलता है और विजिट किंग डेविल बिलीवर्स को फोरसेकर रेल में ढूंढने के लिए कहते हैं और बहुत ढूंढने के बाद आस्था और उसके दोस्तों को एक माउंटेन पर बहुत सारे डेविल बिलीवर्स दिखाई देते हैं। और अब आगे तब हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ डाजू और डॉक्टर पहली बार मिलते हैं और तब डाजू डॉक्टर के मैजिक न होने के बावजूद भी मेडिसिन बनाने की कला की तारीफ करती है और उसे मिलने के लिए कहती है और डॉक्टर भी उसकी बात मान लेती है। तो हम यहाँ देखते हैं सारे डेविल बिलीवर्स आगे बढ़ रहे होते हैं और तब डॉक्टर उनके रास्ते में आए हुए एक पत्थर को उड़ा देती है। तो डॉक्टर कहती है अब हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि जल्द ही रात होने वाली है और हमें उससे पहले इस माउंटेन को पार करके बॉर्डर को पार करना होगा। तब एक पर्सन कहता है जब हम बॉर्डर को पार कर लेंगे तो हम क्लोवर किंगडम से बाहर चले जाएंगे जिसका मतलब मैजिक नाइट्स हमें पकड़ नहीं पाएंगे और उसके बाद हम स्पेड किंगडम पहुंच जाएंगे। तब नैरो कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि बॉर्डर को पार करते ही तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन मिलेगा जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। तब हमें यहाँ बताया जाता है कि स्पेड किंगडम एक ऐसी कंट्री है जो कि बर्फ और मिस्ट्रीज से भरी हुई है और इसके बीच में एक न्यूट्रल जगह है जो कि किसी किंगडम की नहीं है और उस न्यूट्रल लैंड का बहुत सारा हिस्सा स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन के अंडर आता है। स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर मैजिकल पावर बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से वहाँ एंटर करना बहुत मुश्किल होता है। तब नैरो कहती है स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में से निकलना तो मैजिक नाइट्स के लिए भी बहुत मुश्किल बात है, तो आखिरकार तुम लोग जिनके पास कम मैजिक है वो उस जगह से कैसे निकलेंगे, तो क्या तुम लोग मरना चाहते हो? तब डाजू कहती है अगर हम किसी तरह स्पेड किंगडम पहुंच सकते हैं तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। और तब तो वो आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं मैग्ना कैप्टन यामी को कांटेक्ट कर रहा होता है और उनसे अगले ऑर्डर्स के बारे में पूछ रहा होता है पर कैप्टन यामी से कम्युनिकेशन नहीं बन रहा होता। तब नोएल कहती है स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन करीब होने के कारण यहाँ का मैजिक भी डिस्टर्ब हो रहा है जिस वजह से कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। तब मैग्ना कहता है मैं जाकर कैप्टन यामी और बाकियों को ढूंढता हूँ, तब तक के लिए तुम लोग यहीं रुको और बिना रीइन्फोर्समेंट के यहाँ से हिलना मत। तब मैग्ना वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं आस्था चीखते हुए माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगता है। तब नोएल कहती है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, मैग्ना ने हमें यहीं रुकने के लिए कहा है। तब आस्था कहता है मुझे नैरो की चिंता हो रही है, मुझे भी नैरो की चिंता है पर हमें उससे पहले प्लान बनाना होगा। आखिरकार तुम करना क्या चाह रहे हो, मैं उनसे फिर से बात करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे की बात जरूर समझेंगे, अगर हम लोग उनसे बात ही कर पाते तो हम लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं होते। तब आस्था उदास होने लगता है। तब नोएल कहती है अब इतना उदास होना बंद करो, तो चलो मैं तुम्हें वहाँ तक ले चलती हूँ। और तब वो आस्था को वहाँ से उड़ा ले जाती है। तब हम यहाँ देखते हैं डेविल बिलीवर्स अपनी पूरी ताकत से उस माउंटेन पर चढ़ रहे होते हैं। तब डाजू सोचती है मैंने जो अब तक झेला है वो इसके सामने कुछ नहीं है। और तब वो लोग ऊपर पहुँच जाते हैं और डॉक्टर और डाजू सूरज को देख कर अपनी पहली मीटिंग को याद करने लगते हैं और तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तब डॉक्टर कहती है आज फुल मून है जिस वजह से स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन का मैजिक वीक होगा। तब डाजू कहती है चाहे सब कुछ हमारे फेवर में नहीं है पर हमारे पास फिर भी चांसेस हैं। मैं अब तक जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुमसे मिल पाई हूँ, वो तुम ही हो डॉक्टर जिसने मेरा मेरी मुसीबतों में साथ दिया है और इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तब डॉक्टर भी उसे थैंक यू कहती है और हम देखते हैं आस्था उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। तब सभी लोग उसे देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तब आस्था कहता है आखिरकार नैरो तुम कहाँ हो। तब नोएल वहाँ आकर कहती है मुझे पता है कि तुम्हें ये पता नहीं चला होगा पर मुझे इन लोगों में से बहुत कम मैजिक फील हो रहा है, ये वैसा ही है जैसे कि उस विलेज में वो लड़का था। और सोचती है क्या सच में हमारे किंगडम में इतने सारे लोग हैं जिनके पास इतना कम मैजिक है, ये तो अभी भी कुछ लोग हैं, पता नहीं इनके जैसे और कितने लोग होंगे। तब आस्था को नैरो का पता चल जाता है। तब वो कहता है हम तुम्हें बचाने यहाँ आ गए हैं नैरो, तो चिंता मत करो। तब नोएल उसे चुप रहने के लिए कहती है। तब आस्था कहता है चिंता मत करो यहाँ हवाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो वो लोग हम पर पोर्शन से अटैक नहीं कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं सभी लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब नोएल अपनी ग्रिमबॉ निकाल कर सोचती है हम लोग मैजिक नाइट्स हैं तो हमें इन्हें बचाना चाहिए पर अगर ये आस्था पर हमला करेंगे तो मुझे इन पर हमला करना ही होगा। तभी हम देखते हैं सभी लोग आस्था के सामने झुक जाते हैं और सभी लोग उसे मास्टर आस्था कहने लगते हैं क्योंकि उसके पास डेविल की पावर होती है। और तब आस्था डॉक्टर और डाजू के पास चला जाता है। तब आस्था डाजू और डॉक्टर से कहता है नैरो को छोड़ दो, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे पता है कि तुम मेरी
ग्रिमर और नैरो को स्पेड किंगडम के डेविल को गिफ्ट के तौर पर देने जा रहे हो ताकि तुम उनके साथ हाथ मिला सको, और तुम ये भी चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तब डाजू कहती है, अब जब तुम्हें हमारा प्लान पता ही चल गया है तो तुम्हें ये एहसास हो ही गया होगा कि हम तुम्हें नैरो को वापस नहीं देने वाले। इस माउंटेन के पार एक स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन है और तुम्हें लग रहा होगा कि इस फुल मून के कारण तुम वहाँ से क्रॉस कर जाओगे, पर इतने सारे लोगों को इकट्ठे ले जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम सभी लोग तो पहुँच भी नहीं पाओगे। तब डाजू कहती है, हमें पता है पर हमें फिर भी जाना है। मेरे पास थोड़ा ही मैजिक है जिस वजह से मैं ज्यादा स्पेल यूज नहीं कर सकती। क्लोवर किंगडम में मैजिक ही सब कुछ है, जिसका मतलब मैं उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हमेशा बेकार समझा है और स्कूल में भी सभी लोग मुझ पर हंसते थे। मैं कभी भी दोस्त नहीं बना पाई क्योंकि सभी लोग मुझे जज करते थे, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें ये समझ आ रहा होगा रास्ता। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, पर फिर भी सबने मेरा मजाक उड़ाया क्योंकि मैं मैजिक को यूज नहीं कर सकती थी। तब आस्था कहता है, और तुम्हारे हस्बैंड ने तो तुम्हें एक्सेप्ट किया था। मैगी ने हमें बताया था कि तुम अपने पति और उसकी माँ के साथ बहुत खुश थी, तो क्या इसका मतलब ये नहीं था कि उन लोगों ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया था? तो क्या तुम्हें खुश नहीं रहना चाहिए था? तब डाजू कहती है, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि मैं सच्चाई जानती थी कि वो कैसा फील करते हैं, और मैंने उनके साथ जो भी समय गुजारा वो सच में एक हेल की तरह था। वो हमेशा मेरे खाने बनाने पर मेरी तारीफ किया करते थे, और मुझे पूरा यकीन है कि सभी को यही लगता था कि वो कितने अच्छे हैं, और वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाया करते थे और मुझे बेकार समझते थे। उन्होंने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया, बस मेरा फायदा उठाया। उन्हें ये सोचकर बहुत खुशी मिलती थी कि कोई है जो कि उनसे भी कमजोर है। मैं बहुत खुश हूँ कि वो लोग मर चुके हैं, उन्हें मर ही जाना चाहिए था। तो डॉक्टर कहती है, चाहे हम सभी की सिचुएशन अलग हो पर हम सभी ने हमेशा ऐसा ही फील किया है। मैं ऐसी मेडिसिन बना सकती हूँ जो कि किसी भी रिकवरी मेज के मैजिक से ज्यादा ताकतवर है, पर फिर भी किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकती थी। उस विलेज में कुछ लोग थे जिन्हें मेरी मेडिसिन पर भरोसा था, पर काम निकलने के बाद वो भी मुझसे दूर रहने लगते थे और सभी लोग उनकी बातों पर एग्री करने लगते हैं और क्लोवर किंगडम को छोड़ने की बात करने लगते हैं। तब डॉक्टर कहती है, हम इनसे स्पेड किंगडम जाते हुए मिले हैं और इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने भी हमारे जैसी मुश्किलें झेली हैं और एक ऐसी जिंदगी जी है जिसमें किसी को भी नहीं पता था कि ये लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। और जब इन्होंने हमारी बात सुनी तो ये हमारी मदद करने यहाँ तक आ गए। पर आस्था, मुझे ये बताओ, आखिरकार तुम हमें यहाँ क्लोवर किंगडम में वापस जाने के लिए क्यों कह रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि हम लोग फिर से वही जिंदगी जिए? क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? तब आस्था कहता है, मुझे सब समझ में आ रहा है और यही वो कारण है जिस वजह से मैं तुम्हें यहाँ रोक रहा हूँ। तो नोएल कहती है, आखिरकार तुम लोग स्पेड किंगडम क्यों जाना चाहते हो? तब डाजू कहती है, क्योंकि हमें डेविल की पावर चाहिए। काबे ने हमें बताया था स्पेड किंगडम में एक डेविल रहता है और वो हमें पावर दे सकता है, और हम लोग वही पावर चाहते हैं। तो डॉक्टर कहती है, और जब हमें डेविल की पावर मिल जाएगी तब हम इस किंगडम में वापस आएंगे और बदला लेंगे। तब आस्था उन्हें रोकने लगता है। तब डाजू कहती है, क्लोवर के तीन लीव्स भरोसा, उम्मीद और प्यार को रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथे लीव से गुड लक आता है, पर पांचवें लीव में डेविल रहता है, और यही वो कारण है कि तुम इस ग्रिमोर के कारण उस डेविल की पावर को हासिल कर पाए हो, जबकि तुम्हारे पास तो कोई मैजिक भी नहीं है। तुमने इस डेविल की पावर को हासिल करके मैजिक नाइट्स को ज्वाइन किया है और कितना कुछ हासिल किया है। हमने हमेशा तुम्हें अपना हीरो माना है और हम लोग तुम्हारी जैसे बनना चाहते हैं, इसलिए हम स्पेड किंगडम जा रहे हैं ताकि हमें डेविल की पावर मिल सके और हम इस किंगडम से बदला ले सके। तब आस्था कहता है, पर मैं डिफरेंट हूँ क्योंकि चाहे लोगों ने मेरा जितना मर्जी मजाक उड़ाया हो पर मैंने हमेशा अपनी ट्रेनिंग की तरफ फोकस किया है और किसी से भी नफरत नहीं की है। ये सच है कि मुझे उस ग्रिमोर की मदद से ही मेरी पावर मिली है, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने पावर के जरिए इस किंगडम से बदला लूंगा। मैंने हमेशा लोगों की मदद करने के लिए अपनी पावर यूज की है। मेरा सपना है कि चाहे लोग जैसे मर्जी हो, चाहे वो नोबल हो या फिर कॉमनर, मैं तो बस सभी को खुश रखना चाहता हूँ। तब डाजू कहती है, अगर हम तुम्हारे जैसे इस दुनिया को देख पाते तो हम बहुत ज्यादा खुश होते, पर हम इस किंगडम से बदला लेकर रहेंगे जिस वजह से हम नैरो को वापस नहीं दे सकते, और अब हम पेड किंगडम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब आस्था कहता है, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, पर तुम्हें नैरो को यहीं छोड़ना होगा। तब डाजू कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर तुम उसकी जगह मुझे ले चलो। तुम्हारा तो पहले ही प्लान था ना कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, तो मेरे हिसाब से मेरी ग्रिमोर और मैं उस डेविल के लिए अच्छा गिफ्ट होंगे। तब डाजू कहती है, तो ठीक है, पर हमें तुम्हें और उस लड़की को बांधना होगा। और तब वो लोग आस्था और नोएल को बांध देते हैं। तब आस्था कहता है, अब नैरो को छोड़ दो। तब डाजू कहती है, हम जैसे ही तुम्हें लेकर स्पेड किंगडम पहुंच जाएंगे हम वैसे ही नैरो को छोड़ देंगे। तब नैरो कहती है,
है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तब आस्था कहता है, यकीन मानो मुझे इन पर भरोसा है। तो डॉक्टर कहती है, अब ये सारे लोग डेविल को भेंट के तौर पर दिए जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत ज्यादा खुश होगा। तब नेहरू कहती है, ऐसा तो तब होगा ना जब हम स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन से बाहर निकल जाएंगे। और तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और तब हम देखते हैं वो लोग स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन के पास पहुंचने लगते हैं। तनया सोचती है, मुझे यहाँ वो मैजिक फील हो रहा है, चाहे आज फुल मून है पर फिर भी यहाँ का मैजिक बहुत ज्यादा है। तब नेहरू कहती है, आखिरकार अब तुम लोग यहाँ से कैसे जाओगे। तब डाजू कहती है, चाहे हमारे पास ज्यादा मैजिक ना हो पर हमारे पास थोड़ा मैजिक तो है ही है। मैं अपने कैटलिस्ट मैजिक से सभी की मैजिक को मिक्स कर दूंगी और सबके मैजिक को इकट्ठा करके बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक क्रिएट करूंगी जो कि मिलकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और इसी से हम स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन पार करेंगे। तब नेहरू कहती है, स्पेड किंगडम यहाँ से बहुत दूर है तो किसे पता कि डाजू अपना मैजिक कब तक संभाल पाएगी, पता नहीं ये काम करेगा भी या नहीं। तब डाजू कहती है, ये एक जुआ है, चाहे हम लोग वहाँ पर पहुँच ना पाए पर कम से कम कोई एक पर्सन तो पहुँच ही जाएगा ना और उसे डेविल की पावर मिल जाएगी और वो अकेला पर्सन ही क्लोवर किंगडम से हमारा बदला लेगा। और तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और तभी हम देखते हैं मैग्ना और कैप्टन यामी वहाँ आ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।